जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण में, जहां आप देखेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा। साथ ही महाराज श्री ने अपने वचनों के माध्यम से चमलेश्वर वासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिससे वह इस स्थल को समस्त तीर्थ स्थलों में सर्वोच्च बना सके। तो बिना विलंब किए आइए आपको श्रवण कराते हैं गुरुवर की वाणी और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। आज चौरेश्वर क्षेत्र में, देशनोदय क्षेत्र में आज जिस प्रकार का भविष्य मैंने देखा है, वह भविष्य जिस दिन साकार रूप होगा, वो अपने आप में राजस्थान के अथवा भारत का एक सर्वोच्च स्थान बनेगा। जय, क्योंकि बिजोलिया से ज्यादा रमणीक है वो। बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ, मैदान है बिजोलिया में। आज बार बिल्कुल पास में गांव है, चारों तरफ की बस्ती जुटती जा रही है, लेकिन चौलेश्वर में तो आज नहीं कल नहीं, वो तो वन है, वन रहेगा और वन ही था, वहाँ कोई बस्तियाँ आ ही नहीं सकती। तो ये अतिशय घटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मूर्तियों से पानी का निस्सरण होना आगम सम्मत है। मैंने भी कई मूर्तियों के इस प्रकार के प्रसंग देखे हैं अपनी आँखों से। लोग कहते हैं सफोकेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि एक बार कोटा के अंदर हुआ, मंदिर में कोई भी नहीं था, एकदम पुजारी ने मारे ने आके कहा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हो रहा हो, मैं आर चलिया कोट गया, बोले महाराज जी और तेज हो गया। मैंने खुद जाकर के अपने सामने पूरी मूर्ति साफ कराई और उसमें से ऐसी धारा आ रही कि निचोड़ना पड़ रहा है कपड़े को, पूरी मूर्ति के बाहर निमोड़ जो धमा होता ना तसला, निचोड़ते निचोड़ते तसला भर गया। आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा के भव्य दर्शन कराने। ब्रीं श्रीं क्लीं मैं अरुं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवेत्र जलेञ्जिना विसिञ्चामि ते स्वाहा। ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं मैं अरुं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवते श्रीमते। ॐ ब्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दहे दहे पचे पचे पाचे पाचे ॐ नमो अरं जं जीं छीं हं सं जं वं राया सा छां छीं छों छें छें छों छों छं छां छीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रें ह्रों ह्रों ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमूर्ते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकम् आचार्य भगवन् विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्यलवार्थम् एवं आहारचार संसम्पन्यार्थम् निर्यापक श्रवणमुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग आरोग्यार्थम् प्रथम ओर से अभिषी शांतिधारकर्ता श्रेष्ठ श्रीमान ऋषभ जी चांदवाई जी नरेंद्र जी शांति देवी जी दीपचंद जी रेखा देवी जी नोदन भाई जी गुड्डी जी रेखा जी मैना भाई जी सेठिया महुआ निवासी द्वितीय तरफ से श्री ऋषभ जी चांद भाई जी नरेंद्र जी शांति देवी जी दीपचंद जी रेखा देवी जी नोदान भाई जी गुड्डी जी रेखा जी मैना भाई जी सेठिया सा परिवार महुआ निवासी श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती संतोष देवी जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लादूलाल जी गंगवाल पंडित बालों की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्री सुनीता विनय की जी काला नगरपुट की तरफ से श्री भवन कुमार जी मंजू देवी जी आयुष कुमार जी ऋषि का गोदा टिटोड़ी निवासी अक्ष कुमार के प्रथम देव दर्शन के उपलक्ष्य में श्री सुजीत कुमार जी सीमा जी अतिशय कुमार जी गदिया नसीराबाद निवासी अतिशय की परीक्षा सफलता हेतु श्री महावीर प्रसाद जी अशोक कुमार जी महेंद्र कुमार जी निर्मल जी गोदा जाजपुर निवासी श्रीमती चंदावत देवी जी टीनू कुमार जी नीलू जी गोदा जाजपुर निवासी श्री विमल कुमार जी
शांति लाल जी, आशीष कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, अनुकूल जी, वाकलीवाल जहाजपुर नवासी, श्रीमती मंजू देवी जी, निगोतिया पंडेर नवासी, श्री निर्मल कुमार जी, अतिशय कुमार जी, बड़जत्या जामोली नवासी, श्री उमराव जी गोदा साह परिवार साहेपुर नवासी, श्री राजेंद्र कुमार जी मोदी साह परिवार साहेपुरा नवासी, श्री पदम जी ईचलकरण जी वाकलीवाल साह परिवार साहेपुरा नवासी, श्री महेंद्र कुमार जी, डॉक्टर मेंग जी, कीर्ति जी, सिद्धम जी गोदा एवं मोक्षता जैन अलोद बाली बूंदी का गोठड़ा नवासी, रोग निर्माणार्थ हेतु पंडित राकेश रत्नाकर जी गोमड़गिरी इंदौर, मनोकामना पूर्ण सर्व विघ्न बाधा निर्माणार्थ हेतु देशनोदय अधिसचित्र कमेटी उपस्थित सभी भव्य जनानाम, देशनोदय अधिसचित्र पर चल रहे निर्माण कार्य संपन्नार्थम सकल दिगंबर चोखला श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यार्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अर्हत सर्व परमेष्ठी परम पवित्राये नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादे पद्म प्रसाद सद्धर्म श्रीवल आयुआरोग्यश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्मे सोऽस्य परस्य स्वर्ग प्रसदन्तुना। ओम वृषभाय श्रीवर्धमान चतुर्मन श्रीयन्तु भगवन्ता केवल ज्ञान लक्ष्य सुविता अष्टादश दोष रहता है षड चंद गुणी संयुक्त परमेश्वरी परम पवित्र सम्यक ज्ञानाय शुंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक परिवंदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय पदाय तलुवंश क्रय सत्य ज्ञानाय सत भमरे धन फला मंडल मणितय सियारिका श्रावक श्राविका प्रभुक चतु संसर्ग विनाशनाय घाती कर्म छंग्रय अजराय अववाय अस्माकम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त शांतर करने वाले देखने वाले बोलने वाले समस्त परिवार से व्याधिम गिरंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद समाकरणम सेवाकरणम सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशेनाम भावेतो। ओम नमो रति भगवती प्रक्षीण से दुष्मसाय दिव्य दिजमुति नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत चतुर्पद विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रा अस्या उषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। छिन्दे छिन्दे विन्दे रति कामं बलि कामं क्रोधं पापमेरं च अग्निवायव्यं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यव्यं सर्वचोदुष्टव्यं सर्वसर्वशिक्षादिव्यं सर्वग्रहव्यं सर्वदोषं व्याधं डारं च सर्वपरमन्त्रं सर्वातिघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सरोरोगं जलरोगं च सनरमारीं सर्वगजसगो महिषजमारीं सर्वसस्यधान वृक्षलता गोल्मपत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेताल साग्निमियानी सर्वेदनीयं शर्मोहिनीयं सर्वाश्रमारीं अश्माकम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार से अशुभ कर्म जन दुखानी छिंदे छिंदे बिंदे दुष्ट जन कर्ता मंथन दृष्टि मुष्टि छल चित्र दोषान छिंदे छिंदे बिंदे सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर शिवनि कर दोषान छिंदे छिंदे बिंदे सर्वाष्टि कुलीनाग जनित विस्मयानी छिंदे छिंदे बिंदे सर्व स्थावर जंगम वृषिक सर्पादि कर दोषान छिंदे छिंदे बिंदे सर्व सिंहष्ट पदादि कर दोषान छिंदे छिंदे बिंदे पर शत्रु कर्ण उच्चाटन देश मोहन वसीकरादि कर दोषान छिंदे छिंदे बिंदे। ओम ब्रीम सभ्यम चकबरकम तेज सौर शांतिम पूरे पूरे सर्जीवानंद्रम सर्जनानंद्रम सर्वभव्यानंद्रम सर्वगोकुलानंद्रम सर्वराजानंद्रम सर्वग्राम नगर केट करबट मंडप पतम द्रोक समवानंद्रम सर्वानंद्रम कुरु कुरु स्वाहा। यत् सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विषन वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। अश्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार से समस्त शांतिधारा करने वाले देखने वाले बोलने वाले समस्त सपरिवार से तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु संविदिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घयस्तु
कुलगोत्र धनानि सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्येश्वरि अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवसिया उषा अनाथ विद्येडमु अर्यन्तां हरों सरसान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवसिया उषा अनाथ विद्येडमु अर्यन्तां हरों सरसान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवसिया उषा अनाथ विद्येडमु अर्यन्तां हरों सरसान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्बल्य विलासं सकल सुख फलितृकत्वा सुलभं धीरं वीरं शरीरं निरूपं पुनत्वा तनुतुज कृतिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतुत्रैस्पैदुजी प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं व्यत्रतुजक्तामुत्तमा शान्तिधारा 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 सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रे सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम्। ॐ ब्रीमष्टप्रात्यारमध्ये छत्र स्थापयामि। ॐ ब्रीम् अष्टप्रात्यारमध्ये चमर्धम् स्थापयामि। ॐ ब्रीम् देशनोदयतीर्थचौलेश्वरे स्थित महा अतिशयकारी देवादिदेव श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरके पदप्राप्ताय आरे गम नृपाम्।